أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم myself حافظ سمع اقصد امان and you are watching my youtube channel deep insight in this video we will discuss how to join Pak Navy as a navy officer as you know every highly motivated man aims to become part of the honorable force where he can serve the country mere bhi bahut se dost hain jinhone army mein as a second lieutenant ke taur pe captain ke taur pe test diye hain तो कुछ लोग सेलेक्ट हो गए कुछ लोग अब तक सेलेक्ट नहीं हुए कुछ लोग रिकमेंड हो जाते हैं कुछ नॉट रिकमेंड हो जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूटी लाहौर आई एम ए सिविल इंजीनियर मैं कोई सेकंड लेफ्टिनेंट या कैप्टन नहीं हूँ माय यंगर ब्रदर इज अ कैप्टन डॉक्टर सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू ज्वाइन पाक नेवी एज अ नेवी ऑफिसर देर आर सम स्टेप्स यू हैव टू लिसन केयरफुली दिस वीडियो सो दैट यू कैन get the knowledge that I am going to share here. First of all, I advise to you that you must have a pencil and a notebook in your hand so that you write each point and if you have any question then comment me. I am here to answer you. Let's start the video. So kindly subscribe my channel and like and share videos so that you can get in touch with my new videos. I am also share here my business ideas. Number one is apply. There are two methods to apply. One is the online method. Second is you can visit your nearby army selection center or recruitment center. If you are living in a big city as Lahore, Gujranwala, Multan, Saiwal, Okada, etc., then you can visit army selection center. If you are living in a small city, then maybe there is no army selection center. Then you have to visit the their online website that is www.joinparknavy.com so by online you can also join or apply following documents may be required at the time of apply number one thing is original and attested copies of matric and intermediate report cards all academic certificates teen passport size photographs hone chahiye aapke paas id card agar id card nahi bana aapko to aapke paas beform ki tasveer beform hona chahiye aapke paas और एट द एंड आपके पास 100 rupees का अनक्रॉस पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए इन द नेम ऑफ डायरेक्टर ऑफ रिक्रूटमेंट NHQ इस्लामाबाद देन आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले तो हमने आपसे डिस्कस किया कि आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं आप डिपेंड करता है जी मैं तो मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है एक बंदा अनफिट है वो अप्लाई नहीं करेगा एक बंदा एलिजिबल ही नहीं है FSC से 60% मार्क्स कम है तो वो तो अप्लाई नहीं करेगा तो बताते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन सा है पहले नंबर पे तो पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी शहरी हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक या इंटरमीडिएट में आपके मार्क्स 60% से कम नहीं होने चाहिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास विद मिनिमम 60% मार्क्स जो रिक्वायर्ड एज है सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए वो 16.5 से 21 साल 16 ईयर एंड 6 मंथ टू 21 ईयर्स और जो सर्विस कैंडिडेट्स उनके लिए थोड़ा सा एज लिमिट एक्स्ट्रा है वो 17 साल से 23 साल तक हों तो वो अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए मसला नहीं है और मिनिमम हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए नंबर थ्री पे आता है जी इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है अभी तक हमने डिस्कस किया है अप्लाई किस तरह करना अप्लाई में बताया गया आपको दो मैथड हैं या आप आर्मी सिलेक्शन सेंटर में जा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं नंबर टू पर आपको बताया गया कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप एलिजिबल हैं भी कि नहीं अप्लाई करने के और नंबर थ्री पे बताएंगे कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है नंबर वन पे तो होता है इनका इनिशियल टेस्ट फिर होता है मेडिकल टेस्ट एट द एंड होता है फाइनल टेस्ट इनिशियल टेस्ट में क्या होता है इनिशियल टेस्ट में जो बेस करता है जनरल सब्जेक्ट जो है मैथ इंग्लिश पाकिस्तान स्टडी एंड जनरल नॉलेज पे उसके बाद अगर आप क्लियर कर लेते हैं आपका फिजिकल टेस्ट होगा फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा मेडिकल टेस्ट के लिए आपको CMH भेज दिया जाएगा CMH के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा जिसमें वो आपसे आपके साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट भी बैठा होगा साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन करेगा डिस्कस करते हैं बारीक बारीक इनिशियल टेस्ट में क्या होगा फिजिकल टेस्ट में क्या होगा और मेडिकल टेस्ट में कंप्यूटर बेस्ड इनिशियल टेस्ट देंगे जिसमें दो किस्म के टेस्ट होंगे एक होगा इंटेलिजेंस टेस्ट दूसरा होगा एकेडमिक टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट में दो टेस्ट होंगे फर्दर एक वर्बल टेस्ट पे होगा और एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस पे होगा और एकेडमिक टेस्ट में आ जाता है सिंपल आपको पता है मैथ फिजिक्स इंग्लिश और जनरल नॉलेज इस पर बेस्ड टेस्ट आ जाएंगे जो बच्चा इन टेस्टों को क्लियर कर लेंगे इनके साथ टाइम बैरियर होते हैं कुछ MCQs जो ना 30 मिनट में करने होते हैं कुछ 40 में करने होते हैं कुछ 60 में करने होते हैं तो ये टाइम बैरियर जो थोड़ा सा प्रेशर होता है तो इसके हिसाब से टेस्ट करना होता है ये
इतना मुश्किल नहीं होता पेपर। उसके बाद आ जाता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में तो पता होगा सबको कि रनिंग टेस्ट आ जाता है, पुशअप पुलअप्स लगाने होते हैं। रनिंग टेस्ट में आ जाएगा आपने 7 मिनट और 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर दौड़ लगानी है, और 2 मिनट में 15 पुशअप्स लगाने हैं, और 2 मिनट आपको दिए जाएंगे पुलअप्स लगाने के लिए, जिसको चिन अप्स भी कहते हैं। तो 3 आप लगा सकते हैं, मतलब इनमें पुलअप्स की रेंज नहीं है कि आपने 2 लगाने, मिनिमम 3 लगाने, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से चेक कर लेते हैं कि बच्चा काबिल है कि नहीं है। तो फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट आ जाता है। सब कुछ क्लियर करने के बाद मेडिकल टेस्ट में वो आपकी हार्ट रेट चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे, यूरिन का सैंपल आप उनको देंगे, और बाकी भी कुछ टेस्ट हैं इसी तरह वो आपके चेक करेंगे। एट दी एंड फिर फाइनल इंटरव्यू और आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा। जो फाइनल इंटरव्यू साइकोलॉजी टेस्ट को क्लियर कर देगा, साइकोलॉजी टेस्ट में एक साइकेट्रिस्ट बैठा होगा, वो आपको थोड़ा सा नर्वस करने की कोशिश करेगा, आपके इस तरह के सवाल करेगा कि आपकी साइकी चेक करेगा कि आप किस तरह के बच्चे हैं। तो अगर आप उनकी क्राइटेरियाज में लाए करते हुए आपका फाइनल इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, तो एट दी एंड आपको वेट करना होगा फाइनल लिस्ट का। तो फाइनल लिस्टें तो कहीं नहीं लगती हैं, आपके गवर्नमेंट पोस्ट के जरिए लेटर आ जाएगा, और इफ़ यू आर लकी देन यू विल रिसीव अ पोस्ट लेटर एंड यू विल सर्व एज अ पाक नेवी ऑफिसर टू द कंट्री। तो आज की वीडियो में यही कुछ था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज आर एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ मैंशन इन कमेंट। आई एम हेयर, माई टीम इज़ हेयर फॉर योर रिप्लाई। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।